नमस्कार, हम बानी काजल झा और आप सब देख रहल बानी भोजपुरी अड्डा। आज मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ फोटो शूट कर रही हूँ। बेसिकली मतलब हमारी मूवी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके पर्पज से आज हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। शूटिंग में कितना एंजॉय किया? शूटिंग में मैंने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस मूवी के दौरान, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है बहुत मुझे फनी लगी। आवतानी जावतानी आवत हाउ और एंड हाउ, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट बहुत मजा आया मुझे, बहुत बहुत फन किया मैंने। किरदार क्या है इसमें? मेरा किरदार है, मैं एसपी की वाइफ का मैंने रोल किया है और इस कैरेक्टर नाम है मेरा शोभा। तो इसमें जो मेरे हस्बैंड है बहुत ही अनरोमांटिक हैं और मैं ही अपने हस्बैंड को मनाती हूँ, रोमांस के लिए मनाती हूँ कि नहीं आज हम मुझे घुमाओ, कुछ भी बोलती हूँ तो बोलते हैं कि चलो ठीक है कल शाम को, कल शाम करते करते सब खत्म हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेकर के दर्शकों से? मैं अपने किरदार को लेकर यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग है रोल जो है मेरा, क्योंकि इसमें मेरे जो हस्बैंड होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, देन उसके बाद मैं विधवा बन जाती हूँ और फिर एक छोटी सी बच्ची को संभालना, देन इमोशनल सीन्स, सो दैट्स व्हाई। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मूवी में बहुत मसाला है, बहुत रोमांटिक सीन भी है, बहुत कॉमेडी है, मतलब सारे एंटरटेनमेंट आपको इसी मूवी में मिलेंगे और ये सबसे हटकर मूवी है, बिल्कुल भी बोरिंग मूवी नहीं है। सो प्लीज कीप वॉचिंग तहलका मोर नाउ के। थैंक यू। ये है हमारे हीरो अपकमिंग मूवी के। तो मेरा नाम है देवेंद्र कुमार जांगड़े और मैं तहलका हमरा नाव की मूवी से डेब्यू कर रहा हूँ, और ये मेरी को एक्ट्रेस है प्रीति सिंह जी, जो अभी खूब मस्ती कर रही है हमारे सेट पे। हमारे जो देवेंद्र जांगड़े जी है, यानी कि मेरे रामा की सिया हूँ मैं, बहुत शाय किस्म के हैं, बहुत शर्माते हैं, मस्ती तो इनके इसमें है ही नहीं, लेकिन छुप छुप के मस्ती करना, खिल्ली उड़ाना, ये इनको बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ बैड। ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभार मूड बन जाता है तो कर लेते हैं हम भी मस्ती। अच्छा। नहीं नहीं, ये मैं बताऊंगी, रोमांस में हमारे रामा जी उस टाइम पे जीरो थे, अभी का मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे ही इज लाइक यो डायरेक्टर साहब ऐसे करो वैसे मेरे, करो। मेरे को रोमांस प्रीति जी ने सिखाया है, लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए, उसके बाद फिर सिखा के ले आए। मैं, मेरा इसमें प्यारा सा नटखट चुलबुला सा एक कैरेक्टर है जिसका नाम सिया है, और मैं रामा से बहुत प्यार करती हूँ इस मूवी में, और रामा के इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बहुत भोला भाला और एक बहुत एंग्री किस्म का जो किरदार होता है वो, और बहुत अच्छे से इन्होंने प्ले किया, और होप मैंने भी अच्छा किया हो और आप सभी को अच्छा लगे। इन पे हमारा कैरेक्टर है रामचरण प्रजापति, एकदम सीधा साधा लड़का रहता है जो एक चुलबुली लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, फिर उनके जो पिताजी है वो उनकी तबीयत से धुलाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उनकी याददाश्त चली जाती है, फिर वो रौद्र रूप ले लेते हैं और फुल एंग्री यंग मैन की तरह अपने प्यार के लिए लड़ाई करते हैं। इस फिल्म से मैं डेब्यू कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्रीज पर, और बहुत डर लग रहा है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, फर्स्ट टाइम मैं पर्दे पे दिखूंगा, और आप लोग से यही विनती है कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए एक अच्छे एक्टर बनाने के लिए, क्योंकि आपके बिना ये काम अधूरा रहेगा। तो मेरे और मेरे सिया जी यानी कि रामा और सिया जी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मस्ट वॉच दिस मूवी, बहुत जल्दी ये रिलीज़ होने वाली है, बहुत रोमांटिक, बहुत एक्शन के साथ विद कॉमेडी, और आप लोगों को ये मूवी बहुत ऑसम लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज़ मस्ट वॉच प्लीज़। अगर हमारा डांस, हमारा एक्शन अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए आगे, और मेरी नेक्स्ट मूवी आने वाली है दीवाना दिलवाला, तो उस पर आपको और भरपूर मज़ा आएगा। ये तो तहलका आने ही वाली है, बस दोनों की शूटिंग जल्द चालू हो रही है दीवाना दिलवाला की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको अच्छे।
बानी प्रीति सिंह और आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी अड्डा। मैं ए एन पाठक छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ और भोजपुरी मूवी मैंने बनाए हुए हैं और हमारे साथ में सेकंड लीड पे हैं काजल झा और ये भी मेरे साथ मेरी पत्नी का रोल की हुई। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, क्या किरदार है आपका? इस फिल्म में मैं एक ईमानदार पुलिस एसपी बना हुआ हूँ और ये मेरी पत्नी है। मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ, ये मेरे पास चली आती है ऑफिस में कि आप टाइम नहीं दे, पर मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ इसलिए मुझे अपने नौकरी के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी था। काजल जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपको जब टाइम नहीं देते तो आप क्या एक्टिविटीज करती हैं? मैनेज करना पड़ता है ज़्यादातर तो, क्योंकि ये इतने बिजी रहते हैं अपने काम में कि अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो मैं कभी भी इनके ऑफिस चली जाती हूँ, इनको छेड़ती हूँ कि नहीं आज थोड़ा सा रोमांस हो जाए, बट फिर भी अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। सो आपके करेक्टर जो क्या कहना चाहें, कितना आपने उसको रियल देने का और कितना मेहनत करना पड़ा था? मैंने अपनी तरफ से 100% अपने कैरेक्टर को दिया है और मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। एक वाइफ होती है जो बाद में उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो विधवा का रोल एंड इमोशनल रोना, सो बहुत इमोशनल है इस मूवी में सीन्स काफ़ी सारे। सर बात कर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की बात है और टाइम को लेकर बात है, तो रूठना और मनाना, वो तो वाइफ रूठती है तो हस्बैंड को मनाना पड़ता है, आपने कैसे मनाया? यहाँ उल्टा है एक्चुअली, यहाँ उल्टा है, यही मुझसे हमेशा रूठे होते हैं, मैं ही इनको बार बार मनाती हूँ हर चीज़ के लिए। ये हमेशा बोलते बस प्लीज अभी मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज अभी मुझे काम करने दे, तो मैं ही इनको ज्यादातर मनाती हूं। उसका कारण यह है कि शहर में क्राइम बहुत बढ़े हुए थे और क्राइम के नाम से समय नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था, इसलिए ऑफिस आ जाती थी और इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि घर की तरफ ध्यान दे, पर नहीं हो पाता था। तो कुछ शायराना अंदाज भी हुआ होगा डायलॉग्स? हाँ, हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता, लेकिन जीतना मेरी जिद है और जीत के हम वास्ता है। और इसका जवाब आपके पास क्या है? रोज चने की झाड़ पे चढ़ा के उतार देते हो, सुबह ड्यूटी जाना है करके रात में सुला देते हो, हमेशा ये मतलब मेरे को बोलते हैं कि नहीं अभी ठीक है, अभी काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देके मैं तुम्हें तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, बट सीरियसली मैं इतना क्राइम बढ़ चुका है कि इनके पास बिल्कुल भी जरा सा भी टाइम नहीं है मेरे लिए, तो दैट्स व्हाई। कितना एंजॉय किया था आपने अपने कैरेक्टर को? मेरा कैरेक्टर कुछ ज़्यादा नहीं था बट मेरा जो रोल था बहुत स्ट्रांग था, तो जितना भी था मुझे बहुत मज़ा आया। तो सर के साथ कैसे केमिस्ट्री रही आपकी? सर के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी ये बहुत अच्छे हैं, और एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे इंसान है। बहुत प्रोड्यूसर हर चीज़ में किटपिट करते हैं, ये हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाने से लेकर पीने तक एवरी थिंग, हर एक चीज़ इज़ अ गुड मैन। क्या क्या सीखा आपने इस मूवी के दौरान? मैंने इस मूवी के दौरान हाउ बोलना सीखा है, छत्तीसगढ़ी में हाउ बोलना सीखा है, तो बहुत मजा आया मुझे सेट पे। भोजपुरी भी सीखा? भोजपुरी बेसिकली तो मैं बिहार से हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है, बट छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तो वेरी डिफरेंट, तो मैंने मैनेज किया और मुझे अच्छा लगा काम करके। सर ये मूवी छत्तीसगढ़ में आपने शूटिंग किया, जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में? वहाँ पे शूटिंग किया ना सर, तो शूटिंग का क्या वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? छत्तीसगढ़ में शूटिंग किया तो वहाँ पर बहुत अच्छे लोकेशंस हैं और मैं सोचता हूँ कि लोकेशंस को हमारे पास कमी नहीं है, अच्छे लोकेशंस में अच्छी शूटिंग हुई है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि न्यू पैटर्न की नई स्टोरी बनी हुई है, इस तरह की स्टोरी अभी नहीं आई है और भोजपुरी में नहीं आई है, हमारा ये मूवी जरूर देखें और दर्शकों से निवेदन है कि जरूर देखें और उनको जरूर कुछ इसमें नया अंदाज मिले। हस्बैंड और वाइफ को क्या संदेश देना चाहिए जो रियल लाइफ में, जैसे आपने फिल्मों में जिया है, रील में जिया, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसे तरह से होते होंगे उनके भी, तो उनके लिए क्या आप संदेश? रियल लाइफ में तो बहुत कठिन है इस तरह की भूमिका निभाना, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, मूवी की तरफ से अलग जवाबदारी निभाई और घर की तरफ से अलग, हम लोग दोनों को जवाबदारी निभाते हुए मूवी का काम किया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप काम पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए और अपने घर पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए, वरना इससे आपकी वाइफ बहुत रुठ जाएगी और मानेगी बिल्कुल भी नहीं। ओके।
सबसे पहले तो मैं भोजपुरी समाज को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है तहलका हमरा नाम के। और मेरा नाम है देवेंद्र कुमार जांगड़े और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरी हीरोइन प्रीति जी हैं, प्रीति सिंह, जो मुंबई की रहने वाली हैं। और पहली मूवी है, आप लोग के भी चाह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। प्रीति जी आप क्या कहना चाहेंगी, कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग को? शूट के टाइम पे मैंने बहुत फन किया, मतलब ऐसा फील आया था मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ना कोई डिप्रेशन, नथिंग। काम के समय काम, मस्ती के समय मस्ती, और हमने बहुत मस्ती करी काम के साथ साथ। किधर क्या है आपको इसमें मैं सिया बनी हूँ मेरे रामा की, जो हमारे देवेंद्र जी है, जो ऑलराउंडर है, राइटिंग में भी हीरो, सिंगिंग, एवरीथिंग, जो पूरा टैलेंट इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। काश मेरे में भी होता तो मैं इनकी सिया बनी हूँ, और थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी प्यारी, थोड़ी सी चुलबुली तरह का कैरेक्टर है मेरा। क्या कहना चाहिए, आपका किरदार किस तरीके से? इस पे एक्चुअली मेरा दो कैरेक्टर है, एक तो मैं पंडित बना हूँ, पंडित जी का बेटा का रोल है, और सेकेंड एकदम फाड़ू एक्शन। और अभी आपके देख रहा हूँ कि खून टपक रहा है, क्या मज रहा है, उन्होंने चोट तो नहीं पहुँचाया? चोट तो नहीं पहुँचाया, बस प्यार ही दिया, बस इनके प्यार के चक्कर पे बहुत ज्यादा चोटें खाई है। और इनके जो पिताजी है प्रदीप शर्मा जी, जो कि अभी रामलखन पे हैं, वो मेरे को मार के फेंक देते हैं इनके प्यार के चक्कर पे। फिर मैं, मेरी याददाश्त चली जाती है, फिर मैं रुद्र रूप धारण कर लेता हूँ। उसका ये कुछ पोर्शन अभी हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं पोस्टर के लिए, तो ये उसमें से ब्लड दिया गया है। प्रीति जी बात करें, कैसे केमिस्ट्री रही आपकी? केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, हमने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड किया और अच्छी तरीके से समझ के बूझ के हमने काम किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप क्या कहना चाहते हैं? सेम ईयर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी इस जोड़ी को लेकर के, अपनी इस फिल्म को लेकर के? अब बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी जोड़ी को, नंबर वन जोड़ी, जैसे कि दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जोड़ी को भी भरपूर प्यार दें। और इनके बाद और मेरी नेक्स्ट मूवी है दीवाना दिलवाला, उनको भी आपको लुत्फ मिलेगा आनंद का। बस एक हमारी जोड़ी की हिट बनाए, हमारे पिक्चर को देखें, क्योंकि आप एक्चुअली मेरे हीरो इतने एक्साइटेड है फोटो शूट के लिए, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं, सो डोंट मिसकरेज अस और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? मेरा नाम है मोना भामकर। आप क्या कर रहे हैं इस फिल्म में? सर मैंने इस मूवी में सिया के फ्रेंड का रोल किया है। कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग को? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी थी तो कुछ एक्सपीरियंस भी था और बहुत मज़ा आया सेट पे। आपके साथ जो साथी कलाकार थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो डायरेक्टर थे मिथिलेश अविनाश सर, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और हमारे जो साथ में एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। ऑडियंस से क्या कहेंगे आप इस फिल्म को लेकर, अपने किरदार को लेकर? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि ज़रा हटके हैं और इसके सॉन्ग भी काफ़ी अच्छे हैं, और आप मूवी देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।